Before we begin the video, do subscribe to our channel and also click on the bell notification sign to stay updated with all our video notifications. Hey Explorers, what's up and welcome back to a new video. So guys, आज हम खेलने वाले हैं Dry Bones Ritual Challenge. So guys, Dry Bones Ritual Challenge एक ऐसा haunted ritual challenge है जहां से अगर आप इस गेम को सर्वाइव कर लेते हो सुबह के 3 बजे तक तो आपकी एक विश पूरी हो सकती है. तो गाइस मेरी विश पूरी होगी कि नहीं ये तो गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा. तो चलो गाइस आपको क्विकली बताता हूं इस गेम के रूल्स के बारे में. जो इंटरनेट पे जो गेम है ना गाइस वो थोड़ी अलग है, पर मैं इस गेम को करने वाला थोड़ा चेंज. थोड़े से रूल्स सिमिलर होंगे पर मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से खेलूंगा और थोड़ा डेडली और स्कैरी बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि कोई स्पिरिट या कोई घोस्ट हो इस दुनिया में तो वो आए और मुझे अपना प्रेजेंस दिखाए, ताकि मेरी एक्सप्लोरिंग ऑडियंस भी देख ले उनको. और गाइज एज यूजुअल मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आज के बाद से मैं कोई भी गेम्स को जज नहीं करूंगा. यू आर दी ऑडियंस एंड यू गाइज आर गोइंग टू जज. आपके सजेशंस, आपके थॉट्स जो भी है कॉमेंट करना. आपको क्या लगता है इस रिचुअल्स और गेम्स के बारे में? मैं आपके लोग खेलूंगा और कोई भी लेवल पे जाके खेलूंगा. और गाइज देखो अभी बज गए हैं 12:17 which is on the 12th of June और घर पे कोई भी नहीं है. मैं कंप्लीटली अकेला हूँ. सिर्फ मोजो है मेरे साथ में, पर मैंने उसको ये टाइम पे अपने दूसरे रूम में रखा है, ताकि जब भी वो मेरे साथ होता है ना हमेशा सोते रहे स्नोर करता है, तो लोगों को लगता है कि कोई ग्रोवल कर रहा है मेरे आजू बाजू में, कोई आया है. तो बस इसी रीजन के लिए मैंने उसको दूसरे रूम में रखा है. तो एक्सप्लोरर्स, आई रेडी टू एक्सप्लोर दिस थ्रिल ऑफ दिस Dry Bones Ritual Challenge? कम ऑन, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट. ओके एक्सप्लोरर्स, तो मैंने लाइट सारी करके बंद कर दी है और मैंने 3 कैंडल्स जला लिए हैं एज पर द रूल्स. इसका वैक्स पूरा गिर रहा है. तो गाइस जैसे आपको पता है मैंने लास्ट गेम में चार्ट पेपर पे एक क्वेश्चन लिखा था इविल स्पिरिट के लिए, इविल स्पिरिट हाउ डिड यू डाई. और ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी पूछे नहीं जाते इविल स्पिरिट्स को, बिकॉज वो गुस्से हो जाते. तो अभी मैं कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन लिखने वाला हूँ चार्ट पेपर पे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ऑल राइट एक्सप्लोरर्स, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आई मीन एक क्वेश्चन टाइप थोड़ा सेंटेंस भी है और उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख लिया है, जस्ट टू सी इफ द प्रेजेंस गेट्स एंग्री और नॉट. इविल स्पिरिट, यू माइट हैव डाइड और किल्ड ब्रूटली, शो मी योर प्रेजेंस. और गाइज देखो ये गेम है ना, ऐसा गेम कभी किसी ने खेला नहीं है, सो आई डोंट नो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिक माई फिंगर, आई एम गोइंग टू अप्लाई माई ब्लड ऑन द चार्ट पेपर. आई हाईली रिकमेंड आप ये बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा. मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ, यू गाइज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस. मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ ताकि आपको प्रूफ कर सकूंगा कि ये गेम्स रियल होते हैं कि नहीं. आई कैन टेक दिस रिस्क बिकॉज आई नो वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दो सिचुएशंस. और उसके बाद में गाइज मैं मैच स्टिक जलाने वाला हूँ, और अगर मैच स्टिक 15 सेकेंड तक जलती है तो इस गेम को अच्छी तरह से खेला जा सकता है. अगर मैच स्टिक 15 सेकेंड के अंदर बुझ जाती है इस गेम में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड माय ब्लड ऑन द चार्ट पेपर. तो मैं ऑलरेडी रिचुअल में आ चुका हूँ. तो चलो गाइस मैं भी फिंगर पिक करने जाऊंगा. ये सीन मैं थोड़ा ब्लर करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट यूट्यूब टू रिमूव दिस वीडियो और अप्लाई एनी स्ट्राइक फॉर शोइंग ब्लड एंड ऑल. तो ब्लर के लिए करने के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ. Alright guys, anyways, finger will heal, no worries. ये देखो मैंने यहाँ पे ब्लड लगा दिया है. Alright explorers, तो अभी हम मिरर के सामने आए हैं और अभी हम रिचुअल कंटिन्यू करेंगे. ये रहा मैच बॉक्स और मेरे हाथ में मैच स्टिक भी है, तो इसे मैं रख दूंगा बाजू में और हमें पंप को देखना है कि 15 सेकंड तक मैच स्टिक जलती है कि नहीं. गाइज ये तो 13 सेकंड पे बुझ गई. तो अभी ऐसा कहा जाता है कि अगर मैच स्टिक 15 सेकंड तक नहीं जलती है तो ये गेम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है. तो चलो गाइज अभी मुझे अगले रिचुअल की तरफ जाना है. आई हैव टू गेट द चार्ट पेपर. एक्चुअली एक्चुअल गेम में चार्ट पेपर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको माइंड में आंखें बंद करके अपनी ये रीसेट करना होता है कि कोई भी यहाँ पे हो अपना प्रेजेंस दिखाओ. पर मैं जैसे मैंने अपना ब्लड लगाया है उसके ऊपर, तो चार्ट पेपर सामने लाऊंगा और मैं रीसेट करूंगा. I am aware about your presence. Come and show me your presence. I am aware about your presence.
इविल स्पिरिट कम एंड शो मी योर प्रेजेंस, आई एम अवेयर अबाउट योर प्रेजेंस, कम एंड शो मी योर प्रेजेंस इविल स्पिरिट। ऑलराइट एक्सप्लोरर्स, अभी हम जाएंगे छुपने को। अभी तक तो कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई है, तो अभी मैं जो अपने ऊपर वाला एरिया जो है छोटा सा कंपार्टमेंट, वहाँ पे जाके छुपने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। अरे यार दिक्कत होती है। और गाइस ये देखो कैंडल्स ऑलमोस्ट बुझने को है। मुझे पता नहीं मैं 3 बजे तक कैसे सर्वाइव करने वाला हूँ इन कैंडल्स के साथ। अगर ये बुझ जाए तो मुझे चाबी शायद से फ़ोन का टॉर्च यूज़ करना पड़ेगा, वो भी अपने बॉडी तक ही रखना पड़ेगा टॉर्च को। फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। नीचे देखो पूरा अंधेरा है और यहाँ पे मैं छुपने वाला हूँ। ये जो है ना थोड़ा सा अपना स्टोर रूम टाइप है और कम्प्लीटली मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा आते जाता नहीं है घर वालों के अलावा। हम इन हम ही लोग आते कुछ सामान वामान लेना, तो बाकी टाइम पे हम लोग कभी जाते नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे है बैठे हैं, तो अभी देखते हैं वेट करते हैं। तो बस यही है, बातें बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे इसी तरह से और वेट करेंगे। अगर कुछ होता है तो मुझे इस जगह से वापस छुपना है अंदर की तरफ, बिकॉज अगर मैं एक्सपोज हो जाता हूँ तो अगर अभी कोई भी है स्प्रिट वगैरह आती भी है तो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। आई डोंट नो इफ द कैमरा कैप्चर, बट मुझे एक आवाज़ आई है लाइक ऐसे, आई डोंट नो व्हाई। एक्सप्लोरर्स ये देख लो, कैंडल ऑलमोस्ट बुझने को आई है। देखो ऑलमोस्ट नीचे तक गई है। आपको मैं टाइम बताता हूँ कितना हो गया है, हम लोग अभी तक सरवाइव कर लिए हैं। टाइम हो रहा है 1:44 और मुझे लगता है ये कैंडल्स अभी ज़्यादा से ज़्यादा और सिर्फ आधा घंटा ही सरवाइव कर लेगी। बिकॉज ये देखो ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म होने को आई, कोई आया है और मैं इसे मतलब बंद भी नहीं करवा सकता हूँ। लाइक एक जला के रखो या दो बंद कर दो, नहीं ये जैसी है ये वैसी ही जलनी चाहिए। तो ओके एक्सप्लोरर्स ये देख लो, टाइम देख लो 2:25 हो चुके एंड एक कैंडल ऑलमोस्ट गई है। सिर्फ दूसरी वाली सर्वाइव कर रही है, दो बार सर्वाइव कर रहे हैं, तो तीसरी वाली ऑलमोस्ट अभी बुझने वाली है। मैंने अभी रिचुअल जो भी किए ना गाइज, मुझे पता है कि ये नहीं करना चाहिए था लाइक यूजिंग ब्लड एंड ऑल, बट मैं आपको प्रूव करना चाहता था कि देखो आप ब्लड भी यूज़ करो या कुछ भी करो, अगर कोई चीज़ होती है वो ज़रूर होगी। भाई मुझे पता नहीं कि बाकी यूट्यूबर्स के साथ कैसी हुई है ये। ओके यू गाइस आर द वंस हु गोना जज इट, बट गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन स्मैश करो। और गाइस ये वीडियो को बहुत फैलाओ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं और मुझे आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जा सकता है। और मैं आपके लिए ऐसे ही डेयरिंग और बहुत अलग अलग वाले चैलेंजेस जो मॉडिफाइड बोलते हैं ना, मतलब खुद का ट्राई किया हुआ, वो मैं आपके लिए ज़रूर ट्राई करूँगा। तो चलो गाइस अभी और थोड़ी बातें करते हैं। ये है अपना मोजो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये लो ये देखो मोजो। हाँ कैंडल है वो, जलेगा तू पागल भाई, अपने को छुपना है समझा। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अभी खा नहीं रहा हूँ मैं कुछ, वो देख रहे कुछ खाने वाने को मिल रहा है कि नहीं। चलो टाइम ओके 12:26, थोड़ी बातें कर ली आपसे, थोड़ा वेट कर दे, आई होप कैंडल सर्वाइव हो जाए एटलीस्ट 2:45 तक। बाकी 15 मिनट में फ़ोन पे फ्लैश लाइट ऐसे मुंह पे मार के सर्वाइव कर लूँगा, कोई बात नहीं है। ऑलराइट एक्सप्लोरर्स टाइम देख लो, टाइम हो रहा है 12:41, कैंडल एक बुझ चुकी है, अभी खाली दो बचे। अच्छे से देख लो, देखो ये वाली जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, अभी मैं इसे जला भी नहीं सकता बिकॉज मेरे पास मैच बॉक्स भी नहीं है। खाली ये दो बचे और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो बस अभी सर्वाइव कर रहे हैं हम, बस अभी सर्वाइव करना है। 2:41 सिर्फ थोड़ा 15 मिनट बचा है और ये गेम पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं विश पूरी कर लूँगा। तो वैसे देखो अभी तक तो कुछ एक्टिविटी नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर दैट वाला चीज़, ठीक है। और अभी जो कर रहे हैं वो मोजो है, जस्ट डोंट फॉरगेट। और अगर मोजो ये चीज़ करता भी था उसकी आवाज़ तो आना बेशक नामुमकिन है। तो गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लास्ट वीडियो के बारे में, जो नॉक आया था ना गाइस, वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़रूर एक नॉक सुनाई दी थी मेरे पीछे,
तो आई डोंट नो कि वो क्या था, मतलब मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड ने वो नॉक वाली चीज़ में कर रहा था तो वैसे ही मुझे नॉक आवाज़ सुनाई दिया वापस या क्या, आई डोंट नो, बट नॉक ज़रूर आया था और कैमरे ने बहुत हल्का सा कैप्चर किया। मैंने उसको ऑडियो को एनहांस करने की कोशिश भी की थी बट वो एनहांस बिल्कुल भी नहीं हुई, तो आई डोंट नो वाई। तो एनी वेज चलो अभी थोड़ा नाइट और सर्वाइव करना है 15 मिनट। और गाइस लेजिटली आपको बताना चाहता हूँ, मेरी शर्ट देखो भीग चुकी है, आई डोंट नो, और मेरा पसीना देख लो, ये लो पूरा पसीना है बॉडी में। मैं एक रूम में, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे और यहीं पे मैं हूँ, और पता नहीं देखो फ्लैश लाइट मार देता हूँ मैं, आई डोंट नो मगर मेरी शर्ट दिख रही नहीं गीली है कि नहीं, पर आप देख लो थोड़े पैचेस देख लो यहाँ पे, ये सूखा है और बाकी पूरा यू नो गीला है। ये देखो वाइट पैच वो सूखा है और बाकी पूरा गीला है। ऑल राइट एक्सप्लोरर्स, तो 3 बज चुके हैं और हमने ये सर्वाइव कर लिया है, तो अभी मैं मांगने वाला हूँ मेरी विश, आई होप मेरी विश पूरी हो जाए। मुझे पता है कि मेरे आज कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर दैट वाला थिंग, तो मैं देखूंगा फुल फुटेज रिव्यू करके, आप मुझे बोलो वो चीज़ क्या थी, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो अभी चलो मैं क्विकली विश मांगता हूँ और देखती मेरी विश आगे पूरी कभी होगी कि नहीं मेरी ज़िंदगी में। ऑलराइट गाइस, तो मैंने विश मांग ली है, तो चलो अभी हम नीचे जाएंगे। कैंडल की हालत देखो, ऑलमोस्ट एक ही जली हुई है यहाँ पे, ये देखो एक ही जल रही है, बाकी पूरा साफ। ऑलराइट एक्सप्लोरर्स, तो मैं नीचे आ चुका हूँ और हमने ये गेम सर्वाइव कर लिया है। तो गाइस अभी मैं, ये देखो टी शर्ट देखो मेरी पूरी भीग चुकी है गाइस कम्प्लीटली, आगे पीछे से खाली ये पोर्शन थोड़ा ड्राई है और जो आपको सफेद सफेद दिख रहा है वो ड्राई है, बाकी पूरा भीग चुका हूँ मैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गिव अ बिग लाइक, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। गाइस फैला दो, आपके भाई का वीडियो है प्लीज़ फैला दो, ठीक है। आपके लिए मैं ऐसी रिस्क वाली गेम्स खेलता रहूँगा और रिचुअल्स कंप्लीट करता रहूँगा और एक्सप्लोरिंग भी करूँगा आफ्टर लॉकडाउन। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आप लोगों का स्वागत है, वेलकम, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना विद द बेल नोटिफिकेशन। आप लोग को मैं हमेशा ऐसी डेयरिंग और रिस्क वाली गेम्स और यू नो वीडियोस के लिए बनाता रहूँगा। तो गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप लोगों को मैंने बोला है आप लोग इस वीडियो को जज कर सकते हो, तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो, बिकॉज मेरी, मैं और मेरी टीम उस कमेंट्स को पढ़ते हैं और हम एनालाइज करते हैं, और ताकि हम अगला वीडियो जो है ना आपके लिए कुछ ऐसी डेयरिंग और डेली चीज़ें करते रहे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन एडियस।